हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है डीआईवाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5-in-1 सर्किट बनाना सीखेंगे BC547 ट्रांजिस्टर के मदद से। वो सर्किट आप रिमोट कंट्रोल अप्लायंसेज के भी यूज़ कर सकते हैं, वही सर्किट आप सिक्योरिटी अलार्म के जैसे यूज़ कर सकते हैं, और वही सर्किट आप फायर अलार्म के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और दो सर्किट आप इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक दिन बाद नई वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। और सॉरी फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं एयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का सर्किट बन चुका है, उसको टेस्ट करने की बारी है। ये दोस्तों इंफ्रारेड एलईडी और एक स्विच लगाया, जैसे हम लोग एलईडी कनेक्ट करते हैं नॉर्मली, वही एलईडी कनेक्ट कर लिया और बस उसमें मैंने स्विच लगा दिया। ये वायरलेस स्विच है हुआ है एक तरह से, जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे लाइट चालू हो जाएगा वायरलेसली, और जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे वैसे ही वायरलेसली ऑफ हो जाएगा, जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं। जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ तो ऑन हो रहा है, और जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ तो ऑफ हो जा रहा है 220 वोल्ट का बल्ब। चलिए अब बढ़ते हैं अपन लोग अपने दूसरे वीडियो की तरफ। ये सिक्योरिटी अलार्म है, मैं इसमें बजर यूज़ नहीं किया हूँ, एलईडी यूज़ किया हूँ, और इसमें इंफ्रारेड एलईडी ऑन रहेगा। जैसे ही मैं हटाऊंगा तो बज़र बजना चाहिए, लेकिन एलईडी जल रहा है। बज़र नहीं था तो मैंने एलईडी यूज़ किया। आपके पास 220 वोल्ट का बज़र होगा तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। ये रिमोट कंट्रोल अप्लायंसेज से 220 वोल्ट का, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ऑफ हो जाएगा। बाकी सर्किट आपने देखा होगा उस जिसमें आईसी की जरूरत पड़ती है, पर एक ही ट्रांजिस्टर की मदद से चल रहा है। चलिए अपने बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। ये एलडीआर सर्किट ऑटोमेटिक स्ट्रेट लाइट सर्किट है, जैसे ही अंधेरा होगा लाइट चालू हो जाएगा, और जैसे ही उजाला होगा लाइट बंद हो जाएगा। जैसे देख सकते कि हमें अपना मोबाइल से उस पर उजाला दे रहा हूँ तो लाइट बंद हो जा रहा है, और जैसे ही मैं उजाला नहीं दे रहा हूँ तो लाइट चालू हो जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवे सर्किट की तरफ, वो है फायर अलार्म। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि आग लगने पर एलईडी ऑन हो जा रहा है। मेरे पास कोई बजर नहीं था तो मैंने एलईडी बल्ब ही यूज़ किया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर एक दिन बाद नए वीडियो आती रहती है। और अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते कुछ नया टॉपिक लेके।